हाय एवरीवन, नमस्कार फ्रेंड। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पोल्ट्री में जो है बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज़। फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन तो इससे आ ही जाते हैं। तो फ्रेंड, विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट वीडियो। फ्रेंड, सबसे पहला मैं बताता हूँ कोलीबैसिलोसिस। पहला डिजीज़ जो बैक्टीरियल डिजीज़ है वो है कोलीबैसिलोसिस। कोलीबैसिलोसिस किससे होता है? ई कोलाई से, ये याद रखना है, ठीक है फ्रेंड। इसमें जो कोलीबैसिलोसिस होता है, इसमें जो है बहुत सारे नाम दिए जाते हैं, ठीक है, पोल्ट्री के केस में। इसमें जो पहला नाम है वो है कोलीसेप्टिसीमिया, कोलीसेप्टिसीमिया, ठीक है। दूसरा जो नाम है इसका, इसको बोलते हैं योक सैक डिजीज, और इसके बाद बोलते हैं एक पेरिटोनाइटिस। अगला जो इकोलाई से होने वाला डिजीज है वो है कोली ग्रेनुलोमा। ठीक है, तो फ्रेंड ये आपको चारों याद रखने हैं। अब इसमें से जो मेन मेन मतलब कि पॉइंट्स हैं वो मैं बता रहा हूँ। जैसे कोलीसेप्टिसीमिया में क्या होता है, ये जो है अगर एक्यूट कंडीशन आए, मतलब एक्यूट कंडीशन में जो है सेप्टिसीमिया काज करता है, ठीक है, और उसकी वजह से जो है डेथ हो जाती है। अगर सर्वाइव कर जाता है, सपोज करिए जो बर्ड है वो सर्वाइव कर गया, तो उसमें जो है फाइब्रोपुरुलेंट एयर साइकुलाइटिस हो जाता है, ठीक है, और इसके बाद जो है पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस एंड पेरीहिपेटाइटिस, ये प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड, कोलीसेप्टिसीमिया क्या काज करती है? एक्यूट सेप्टिसीमिया काज करती है, उसकी वजह से पोल्ट्री की डेथ हो जाती है। अगर सपोज करे सर्वाइव कर जाता है तो फाइब्रोपुरुलेंट एयर साइकुलाइटिस हो जाता है, पेरिकार्डाइटिस रहता है, पेरीहिपेटाइटिस हो जाता है, ठीक है। योक सैक डिजीज, अब सेकेंड पे आते हैं, योक सैक डिजीज। योक सैक डिजीज को क्या कहते हैं? मसी चिक डिजीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मसी चिक डिजीज। मसीचिक डिजीज, ठीक है। इसमें एक टर्म याद रखिए, ओम्फेलाइटिस। क्या याद रखिए? ओम्फेलाइटिस इसमें काज करता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है योक सैक डिजीज को मसीचिक डिजीज भी बोलते हैं। अब आ जाइए एक पेरिटोनाइटिस। एक पेरिटोनाइटिस क्या होता है? रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर है ये। क्या काज करता है? रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर, जैसे सेल्फिनजाइटिस, और इसके कंडीशन में क्या होता है? इनकम्प्लीट ओवा जो है ओविडक्ट में रहते हैं, ठीक है, ये आपको मिलता है, इसलिए उसका नाम करते हैं, बोलते हैं एक पेरिटोनाइटिस। लास्ट जो है बोलते हैं इकोलाइस होने वाला, इसको जो है इसको बोलते हैं जारी डिजीज, जारे डिजीज, एच जे ए आर ई, जारे डिजीज। जैसा कि नाम में है ग्रेनुलोमा, मतलब नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ग्रेनुल लाइक स्ट्रक्चर कहाँ बनते हैं? ग्रेनुलर लाइक पैथोजन दिखते हैं, ठीक है। ग्रेनुलर जो है पैथोगोनोमिक लेजन होता है, कहाँ पे? मेजेंट्री और इंटेस्टाइन, ठीक है, जो येलो कलर का होता है, येलो नोड्यूल होता है, ठीक है। तो फ्रेंड, ये रहा कोलीबैसिलोसिस, आपको याद रखना है ये इकोलाई से होता है। इसमें जो है डिफरेंट डिजीज टर्म दिए जाते हैं, कोलीसेप्टिसीमिया, योक सैक इन्फेक्शन, एक पेरिटोनाइटिस, कोलीग्रेनुलोमा, ठीक है। यहाँ पे दो अलग अलग नाम है, योक सैक डिजीज को मसीचिक डिजीज बोलते हैं, कोलीग्रेनुलोमा को जॉरी डिजीज बोलते हैं, ओके फ्रेंड। अब आ जाते हैं सेकेंड डिजीज पे। सेकेंड डिजीज जो बैक्टीरियल से होने वाला पोल्ट्री में कौन सा है? साल्मोनेलोसिस।
ठीक है। अब साल्मोनेलोसिस जो है पोल्ट्री में कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें जो है मेनली तीन होता है, ठीक है। एक होता है पुलोरम डिजीज, दूसरा क्या है फाउल टाइफाइड, पैराटाइफाइड। ठीक है। अब फ्रेंड इसका काजटिव एजेंट सबका याद रख लो पहले, इसका क्या है साल्मोनेला पुलोरम, ठीक है। फाउल टाइफाइड का काजटिव एजेंट क्या है साल्मोनेला गैलिनेरम। और पैराटाइफाइड का काजटिव एजेंट क्या है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, टाइफीम्यूरियम साल्मोनेला इंटराइटिस। ओके फ्रेंड, तो आपको हमें ये तीनों याद रखने हैं। पुलोरम डिजीज जो होता है साल्मोनेला पुलोरम से होता है, फाउल टाइफाइड जो है साल्मोनेला गैलिनेरम से होता है, पैराटाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम साल्मोनेला एंटेराइटिस होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके पैथोगोनोमिक लेजन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लेजन होते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ पुलोरम डिजीज में याद रखना है BWD मतलब बैसिलस वाइट डायरिया, इससे क्या होता है बैसिलस वाइट डायरिया, ठीक है। फाउल टाइफाइड, फाउल टाइफाइड में क्या पैथोगोनोमिक लेजन है, इसमें जो है ब्रॉन्ज कलर लीवर, ब्रॉन्ज कलर लीवर, कॉपरी ब्रॉन्ज कलर लीवर होता है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। और इसमें पैराटाइफाइड में तो डायरिया तो होगा ही, ठीक है। और अगर चिक की कंडीशन में है तो चिक में क्या होता है अनएब्जॉर्ब्ड योक सैक, योक सैक, ठीक है। तो फ्रेंड इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है फाउल टाइफाइड, फाउल टाइफाइड में क्या होता है ब्रॉन्ज कलर लीवर होता है, कॉपरी ब्रॉन्ज जो जो है साल्मोनेला गैलिनेरम से होता है, ठीक है। तो हो गया साल्मोनेलोसिस। अब फ्रेंड जो इसका अगला डिजीज है वो है इन्फेक्शियस कोराइजा, ओके। इसका कॉस्टिव एजेंट क्या है हीमोफिलस, पैरा गैलिनेरम, पैरा गैलिनेरम, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका कास्ट एजेंट पूछा जाता है। तो इन्फेक्शियस कोराइजा क्या होता है हीमोफिलस पैरा गैलिनेरम, और फ्रेंड जैसा कोराइजा है तो मतलब ये जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करेगा, ठीक है, सिंपल सा। अगला जो पोल्ट्री डिजीज है वो है फाउल कॉलरा, फाउल कॉलेरा, ये किससे होता है फ्रेंड आपको HS याद है हिमोरोज सेप्टिसीमिया, वो किससे होता है पास्टुरेला मल्टोसिडा, तो फाउल कॉलरा भी उसी से ही होता है, ठीक है। तो फाउल कॉलरा किससे होता है पास्टुरेला मल्टोसिडा, पास्टुरेला मल्टोसिडा। इसमें होता क्या है जो वेटल्स रहते हैं, वेटल्स में जो है स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, वेटल स्वेलिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है पोल्ट्री डिजीज कौन सा है, नेक्स्ट पोल्ट्री कौन सा हो गया ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस इन पोल्ट्री, तो ये किससे होता है माइकोबैक्टीरियम एवियम, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम एवियम से होता है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। और इसके अलावा क्या होता है इसमें जो है प्रोमिनेंट कील दिखता है, प्रोमिनेंट कील या केराइना, ठीक है।
कीलिया केराइना क्या होता है, जो फाउल का स्टर्नम रहता है वो कीलिया केराइना बनाती है, ठीक है, तो प्रोमिनेंट हो जाता है। मतलब इसको एक टर्म दिया जाता है नाइफ एज, इतना प्रोमिनेंट हो जाता है जो नाइफ, ठीक है, नाइफ एज कील केराइना किसमें फाउंड होता है, माइकोबैक्टीरियम एवियम में। और इसके अलावा आपको याद रखना है इसमें लैंगरहैंस सेल्स पाए जाती हैं, स्प्लीन जो है वो नॉबी अपीयरेंस हो जाता है, याद रखना है, ठीक है, ये तीन ही पॉइंट याद रखना है। और फ्रेंड हमेशा याद रखना है जो बैक्टी मतलब कि ट्यूबरकुलोसिस बर्ड्स का होता है ये स्पेशली इफेक्ट करता है डाइजेस्टिव सिस्टम को, जैसे स्प्लिन हो गया, इन सब को इफेक्ट कर रहा है, लेकिन जो अदर जो है ट्यूबरकुलोसिस होते हैं वो अधिकतर जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड, ये हो गया ट्यूबरकुलोसिस। अगला जो बैक्टीरियल डिजीज है वो है फाउल स्पायरोसिटोसिस। ठीक है, फाउल स्पायरोसिटोसिस ये किससे होता है, बोरेलिया इनसेराइना, ठीक है, ठीक है, बोरेलिया इनसेराइना से, या तो जो है स्पायरोचिटी गैलिनेरम से, स्पायरोचिटी गैलिनेरम, ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है। और अगला पॉइंट इसमें जो है पॉइंट याद रखना है, इसमें जो है स्प्लीन का मोटलिंग होता है, स्प्लीन ऑफ स्प्लीन मोटलिंग कंडीशन आती है इसमें, स्प्लीन मोटलिंग। और याद रखो इसमें जो है स्टेन जो यूज किया जाता है वो होता है लिवाडिटिस स्टेन, लिवाडिटिस स्टेन, ओके, आपको ये याद रखना है लिवाडिटिस स्टेन। अब लास्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ इसका जो है बैक्टीरियल डिजीज ऑफ पोल्ट्री वो होता है क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिजीज, क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिजीज इन पोल्ट्री। ये किससे होता है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ठीक है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ये क्या करती हैं, गार्गल्स या रेल्स, गार्गल्स या रेल्स जो है साइंस सिम्टम्स शो करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है पेरिकार्डाइटिस, पेरीहिपेटाइटिस एंड ईयर साइकुलाइटिस तो काज करती हैं। तो फ्रेंड इसका जो है मिक्स इन्फेक्शन भी होता है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टम के साथ, जो है ई कोलाई भी जो है वो भी रहती है, ठीक है, तो ये हो गया सभी, ठीक है। तो फ्रेंड लास्ट में आपको मैं सभी बताता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, कोलीबैसिलोसिस, कोलीबैसिलोसिस में क्या होता है, ई कोलाई होता है, और इसमें तीन मैंने बताया था, कौन कौन से बताया था, कोलीसेप्टिसीमिया, ठीक है, मसी चीक डिजीज, जारी डिजीज एंड एक पेरिटोनाइटिस, ये होता है। इसके बाद जो है साल्मोनेलोसिस, साल्मोनेलोसिस में कौन कौन से होते हैं, तीन डिजीज होता है, फुल साल्मोनेला पुलोरम से, ठीक है, कौन सा होता है, पुलोरम डिजीज होता है। इसके बाद जो है साल्मोनेला गैलिनेरम से जो है कौन सा होता है, फाउल टाइफाइड होता है। और इसके बाद जो है पैरा टाइफाइड क्या होता है, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से होता है, ठीक है। अगला कौन सा था, इन्फेक्शियस कोराइजा, इन्फेक्शियस कोराइजा जो है जैसा कि मैंने बताया एचएस, मतलब कि हेमोरोजिक जो सेप्टिसीमिया होता है किससे होता है, पास्चुरेला मल्टोसिडा, तो इन्फेक्शियस कोराइजा भी पास्चुरेला मल्टोसिडा से ही होता है। हो फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो फ्रेंड मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पे, जय हिंद।